आज हम बात करेंगे परिवर्तन की। किसी ने ठीक ही कहा है कि संसार का सबसे अपरिवर्तित नियम यह है कि सब कुछ परिवर्तित है, होता है, सब कुछ परिवर्तनशील है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, यानी कि हर वक्त सब कुछ बदल रहा है। अब या तो व्यक्ति खुद अपने हाथों से बदले या फिर प्रकृति खुद उसे बदलने पर मजबूर कर देती है। यह प्रकृति का नियम ही है जिससे हर चीज़ परिवर्तनशील होती है। संसार एक परिवर्तनशील धारा है जो सदैव चलती चली जाती है। जैसा कि पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा था कि आप एक ही नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते क्योंकि नदी हर वक्त बह रही है। मैकाइवर व पेज ने परिवर्तन के कुछ प्रकारों की बात की है कि परिवर्तन मुख्य रूप से तीन प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला है रेखीय परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन एक तीर की तरह चलता है जो एक दिशा में ही गतिमान रहता है, उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं होता, वो उलट के पीछे की तरफ नहीं आ सकता। जैसे एक बच्चा युवा होता है, युवा होता से वृद्धावस्था जाता है, ठीक वैसे ही समय सिर्फ एक दिशा की ओर उन्मुख है, उसे लौटाया नहीं जा सकता। दूसरा प्रकार है परिवर्तन का चक्रीय परिवर्तन। जैसे हम ऋतुओं को देखते हैं कि गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के बाद फिर गर्मी, गर्मी के बाद फिर बारिश, तो चीज़ें यूँ चक्र की तरह परिवर्तित होती है, एक चक्र में चलती है, एक राउंड में चलती है। जैसे हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में काल को बताया गया है कि सबसे पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा और फिर वापस सतयुग का आरंभ होगा। तो इस तरह से चक्रीय परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। फिर है आरोह या अवरोह, ये थोड़ा जिगजैग सा होता है। जैसे सेंसेक्स के सूचकांक हम देखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो परिवर्तन कुछ इस तरह से भी ऊपर नीचे की स्थिति में भी होते हैं। अब धरती पर हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन में परिवर्तन के बहुत से कारक हैं, जिनमें से कुछ खास कारक मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण जो बताया जाता है वो जनसंख्यात्मक कारण, यानी जीवन में जो परिवर्तन आता है उसका कारण जनसंख्यात्मक भी होता है। कैसे एक घर में एक बच्चे के पैदा होने पर उसके लिए एक जगह बनी जाती है, उसके लिए कुछ सामान खरीदे जाते हैं, घर में एक बदलाव, तो एक पूरी जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उससे जो बदलाव होते हैं। फिर है धार्मिक कारण, अगर हम अपने धार्मिक कार्यों के लिए परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हम मान लीजिए कोई नया धर्म स्वीकार करते हैं या धार्मिक क्रियाओं के लिए कोई व्यवस्था करते हैं, तो उससे हमारे समाज में एक परिवर्तन आता है। फिर है भौगोलिक कारण, जब कोई व्यवस्था, कोई जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, वो वहाँ की भौगोलिक अवस्थाओं के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करती है, तो उससे भी बहुत से जीवन में परिवर्तन आते हैं। फिर धार्मिक कारण के बाद भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण के बाद आते हैं हमारे सांस्कृतिक कारण। हमारे जो सांस्कृतिक कारण होते हैं, हमारी जो संस्कृति होती है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से कारण जीवन में परिवर्तन लाते हैं, चाहे वो कानून हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे कोई आंदोलन हो। एक छोटे से छोटी चीज़ से ही जीवन में परिवर्तन आ सकता है। जैसे कोई महामारी का दौर हो, जैसे इस वक्त महामारी का एक दौर चल रहा है, तो जीवन के मूल्य, जीवन के ढंग और हमारे रहन सहन के तरीकों में एक परिवर्तन आता है। आधुनिकता, प्रौद्योगिकी, विज्ञान ने हमारे जीवन को एक ढंग से बदला है। कैसे हम अब लोगों से इंटरेक्ट होने का ढंग बदल रहे हैं, कैसे हम पहले लोगों के घर जाके मिलते थे, अब हम मोबाइल पे इंटरनेट की सुविधा से भी एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कारण हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बदला है, और यह बदलाहट भी बदलती रहती है, ये भी स्थिर नहीं होती। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।